आइए आज बच्चों हम आपको ऊध्र्वपातन अर्थात सबलिमेशन के बारे में बताएंगे। देखिए एक ऊध्र्वपातित पदार्थ जिसे आप सभी जानते हैं कपूर है। ये हमने कपूर की छोटी सी टिकिया ली है जिसे आप घर पर भी यूज करते हैं, हवन वगैरह सामग्री में यूज करते हैं, जलाने के काम आता है और ये ठोस रूप में है। आप सभी देख पा रहे हैं ठोस रूप में इस कपूर को हम एक चाइना डिश में लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिया हमने इसको, और यहाँ पे एक स्पिरिट लैम्प लिया हुआ है। इस स्पिरिट लैम्प को हम जलाएंगे। जलाने के बाद इसके ऊपर चाइना डिश जिसके अंदर हमने कपूर की टिकिया रखी हुई है ठोस रूप में, इसको इसके ऊपर रख देंगे। फिर एक हम फनल लेंगे, कीप, कांच की कीप है ये। इसके ऊपरी सिरे पे छोटी सी कॉटन लगा देंगे ताकि जो भाप बन के ऊपर उठे वो सीधे बाहर ना निकल पाए बल्कि इसके अंदर फंस के यहीं पे इकट्ठी हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कपूर जो है, कपूर गर्म होने लग रहा है और कपूर के ऊपर हमने उल्टी करके फनल को रख दिया है और यहाँ पे कपूर गर्म होने लग गया है और कपूर गर्म होके भाप रूप में बदल रहा है अर्थात गैस रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठोस रूप से गैस रूप में परिवर्तित हो रहा है। और ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं इस फनल के अंदर धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो गया है। जैसे गर्म होके गैस रूप ऊपर उठती है तो ये यहाँ पे फनल के ऊपर जो हमने ये कॉटन लगाई हुई है इसमें यहाँ पे जमा होनी स्टार्ट हो गई है। इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं इस फनल के चारों ओर ठोस रूप में ये कपूर इकट्ठा होने लग गया है। देखिए सफ़ेद हो गई है हमारी कीप अर्थात फनल का निचला हिस्सा सफ़ेद हो गया। देखिए ये सफ़ेद हुआ है हिस्सा है क्योंकि आप देख भी पा रहे थे कि कपूर गैस रूप में ऊपर उड़ रहा था। ये देखिए इसमें ये ठोस रूप था और इसको गर्म किया था हमने, तो गर्म करने के बाद ये गैस रूप में ऊपर उड़ रहा था। अब उड़ते हुए गैस रूप कपूर को हमने इस फनल में से गुजरने दिया और वह ठंडा फनल के पास ठंडा होके वापस गैस रूप से ठोस रूप में इसके चारों तरफ जम गया है। देखिए हम हाथ से देखिए निकाल के देखेंगे, ये देखिए खुरच के देखे हमने ये ठोस रूप हमें कपूर का प्राप्त हुआ है। ये देखिए ये कपूर का ठोस रूप जिसे हम हाथ से देख पा रहे हैं और कहीं पे भी कपूर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठोस रूप से गैस रूप बना और गैस ठंडी होने के बाद वापस ठोस रूप में परिवर्तित हो गया अर्थात ऊध्र्वपातित पदार्थ, ठोस ऊध्र्वपातित पदार्थ को हम गर्म करें तो वो सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके गैस रूप को ठंडा करें तो वो वापिस गैस से सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊध्र्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी है, एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, ये पदार्थ भी ठोस से सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।